हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका फिर से एक बार द विजार्डी बॉय चैनल में। दोस्तों मैं असल में आया हुआ था वसुंधरा के सेक्टर 18 में और मैंने यहाँ पास में एक मार्केट में छोटी सी चीज़ नोटिस करी, वो ये यहाँ पे 4-5 या शायद उससे भी ज़्यादा फूड आउटलेट्स हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही आउटलेट जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। खैर मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ और ये ओपन है तो बैकग्राउंड में शायद आपको गाड़ियों की आ रही होगी, मैं अपना माइक लाना ही भूल गया हूँ। लेकिन वो जो मैंने चीज़ नोटिस करी वो ये कि इतने सारे आउटलेट्स में सिर्फ एक पे भीड़ लगी हुई, तो मेरे को भी लगा ऐसा क्या है जो ये दे रहा है, क्यों ना उसको चेक करा जाए। तो मैं आज लेके आ गया अपना कैमरा इसको रिकॉर्ड करने के लिए, तो मैं दिखाता हूँ आपको मैं हूँ कहाँ। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया मैं हूँ वसुंधरा के सेक्टर 18 में और हम इस वक्त हैं जैन साहब की मलाई चाप पे और मैंने जैन साहब को पकड़ लिया। ये बहुत बिजी हैं बट मैंने अभी इनको देखा फ्री थे, मैं क्यों ना इनको पकड़ लूँ फटाफट, इनसे बात करने का मौका मिलेगा। कैसे हैं सर? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए भाई। तो ये हैं जैन साहब, हमारे शशांक जैन इनका नाम है और ये इस दुकान के ओनर हैं, शॉप के ओनर हैं। तो सर कितने टाइम से आपकी शॉप यहाँ पर? मेरे को यहाँ पर 1.5 साल करीबन हो गया है। तो इकलौता यही स्टोर है या और मेरे यहाँ पे आउटलेट? मेरे राजेंद्र नगर में भी है, राजेंद्र नगर साहिबाबाद में है। अच्छा अच्छा, एक यहाँ पर है, अभी दो ही स्टोर है, एक छोटा भाई देखता है एक मैं देखता। अच्छा, तो सर सबसे पहले तो ये बताइए कैसे चल रहा है आपका बिजनेस, क्योंकि कोरोना का टाइम है और बाहर लोग बस ये आप लोगों की दुआ है, जैसा है आप लोगों का रिस्पॉन्स है उसके हिसाब से ठीक है सर, सब कुछ ठीक है अभी। तो चलिए बाकी सारी बातें बाद में करेंगे, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। जी जी जी, जो ये आपके आसपास के आउटलेट्स उन पर भीड़ नहीं है, आपके पास भीड़ है, आपका ऐसा क्या सीक्रेट है, आप मेरे को पहले ये बताइए। सर ये तो बस एक हमारी मेहनत है जो पिछले 5 साल से कर रहे हैं और मेरा जो पुराना वाला आउटलेट है वो हमारा हो गए हैं, उसको भी 3 साल उसके हो गए हैं। एक पहले हमारा डाइनिंग रेस्टोरेंट था वो हमने क्लोज करके हम यहाँ पर आए थे। अच्छा अच्छा, और हमने फिर ये टेक अवे से शुरुआत करी थी, हम इस पूरी मार्केट में पूरे अकेले हुआ करते थे। और स्वाद है हमारा, मेरे वही शेफ हैं पुराने, वही सब कुछ है, हम सब कुछ मतलब पूरे मन से करते हैं, हम स्वाद दिल से देते हैं। स्वाद दिल से देखें वो बहुत अच्छी बात है। यार मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है प्योर वेजिटेरियन, प्योर वेज, सच में प्योर वेजिटेरियन? प्योर और भी सब कर सर, मेरे किचन में पिछले 5 सालों में आज तक कभी ना अंडा आया है, अंडा तक नहीं आया तो बाकी आप वो छोड़ दो। मेरे यहाँ पे म्यूनीज भी आती है अगर, तो वो प्योर वेज ग्रीन डॉट वाली ही आती है, उसके अलावा म्यूनीज भी अंदर नहीं आती है रेड डॉट वाली। सर मेरे को असल में ये क्वेश्चन पूछने तो मेरा रीज़न था ना वो ये था कि मैंने आज तक किसी स्टोर पे नहीं देखा कि नॉन वेजिटेरियन के मुकाबले में वेजिटेरियन इतना मार्केट उठाया हुआ पूरा। सर वो हमारी कुछ वैरायटीज़ हैं ऐसी जिसको हम करते हैं जो आपको बिल्कुल नॉन वेज का ही स्वाद देंगी और आपको लगेगा ही नहीं कि आप नॉन वेज खा रहे हो, बट आपको स्वाद आएगा बिल्कुल चिकन वाला या आपको फिश वाला, तो आपको लगेगा ही नहीं। हमारी कुछ चीज़ें हैं ऐसी, बहुत अच्छी बात है। तो आपका मतलब मेन्यू में हमारे क्या क्या रहता है, अगर मैं मतलब मोटा मोटा जो आपके मेन आइटम्स जो आपके सबसे फेमस सबसे पॉपुलर दिखते हैं? देखिए हमारे पास वैसे तो सब कुछ है, जैसे कि अभी मैंने हाल फिलहाल में ये चाट टिक्की भी शुरू करा है कि जिससे लेडीज़ वगैरह भी यहाँ पे आ सके, बच्चे वगैरह आ सके, इन्जॉय कर सके और एटमॉस्फेयर इन्जॉय कर सके। साथ में हमारा मलाई चाप तो फेमस है ही है, मलाई चाप के साथ हमारी ये क्रंची चाप है, हमारी तवा चाप है ग्रेवी में वो फेमस है, हमारे चिली पटेटो चाइनीज़ में और स्टीम मोमोज बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है उनका। अब वही सब है कि बहुत सारी चीज़ें हैं मेन्यू में से, शायद अगर आप मेरे से पूछो अगर मेरे मेन्यू में 150 आइटम हैं तो उसमें से आप बोलो कि कौन सबसे ज़्यादा कौन सी चलती है या कौन सी सबसे ख़राब बनती है तो मैं शायद नहीं बता पाऊँ, क्योंकि ख़राब आइटम कोई नहीं है, क्योंकि मेन्यू में मैंने रखी वो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा जिनकी डिमांड है। खैर और ख़राब आइटम हुई तो इतनी भीड़ नहीं होती। हाँ जितनी है तो मैं देख रहा हूँ आपका फ़ोन बार बार आया जा रहा है, मतलब हाँ मैं पकड़ लाया इनको, मेरी किस्मत अच्छी थी जो मेरे को मिल गया और ऐसे टाइम पे मिल गए। तो मेरे को बहुत देर से खुशबू आ रही है आपकी चाप बनने की, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आप अपनी तरफ से हमारे लिए कोई 2 चाप ऑर्डर कर दीजिए अपनी, तो आपको सबसे आपकी फेवरेट हो या सबसे आपकी बेस्ट सेलर हो और बताइए आप क्या लगवा रहे हैं सर? मैं आपके लिए एक क्रंची चाप लगवा रहा हूँ
और आपके लिए एक मैं मलाई चाप लगा रहा हूँ जो हमारी बेस्ट सेलिंग है ही है जी। और ये आप खा के देखिए, उसके बाद आप मेरे को बताइए कैसा लगा, भीड़ गलत है या सही है। अब जैन साहब को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बैक टू बैक फ़ोन आ रहे हैं, मैं चाप खा रहा हूँ और आपको बताता हूँ उसके बारे में। दोस्तों आ चुका है हमारा ऑर्डर जो कि है एक मलाई चाप और ये क्रंची चाप। खैर ये क्रंची चाप आपको देखने में चिकन जैसा लग रहा हो पर रस नहीं, कोई चिकन विकन नहीं है। तो मैं ट्राइपॉड रख देता हूँ यहाँ, कोशिश करता हूँ अगर आप भी देख लें तो, और आपको बताता हूँ कि कैसी लगती है चाप। तो दोस्तों अगर बात करूं मैं इसकी मलाई चाप की तो ये सच में मलाई चाप, मतलब अच्छे से मलाई, मतलब सारे इसमें जो बटर जो भी क्रीम है एकदम रिच टेस्ट उसका आ रहा है और बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही बाहर से क्रंची अंदर से सॉफ्ट है। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है चबाना पड़ रहा है, च्यू करना पड़ रहा है। और मलाई चाप से तो बिल्कुल ज़्यादा बेटर ये लगा इनका क्रंची वाला चाप, बिल्कुल देखने में एकदम चिकन वाला फील दे रहा है और खा रहे हो तो मतलब क्रिस्पी KFC आप KFC बैठे ऐसा लग रहा है। लेकिन फ़र्क बस इतना है कि कोई फाइट चिकन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन है, सिर्फ चाप है। तो मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, शायद मैं रीज़न समझ भी गया हूँ यहाँ इतनी भीड़ क्यों होती है। अगर आपको भी ये ट्राई करना है तो मैं इसका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आप भी यहाँ ज़रूर आइएगा वसुंधरा और ट्राई कीजिएगा जैन साहब की चाप और ज़रूर बताइएगा मेरे को कमेंट्स में कैसी लगती है आपको। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, दूसरी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट।